हेलो दोस्तों, मैं प्रणव द्विवेदी। आइए आज हम चलते हैं संगम, जो कि प्रयागराज का प्रसिद्ध जगह है। संगम कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर अपने साधना सिद्धि प्राप्ति करने आते हैं। यहाँ पे जो कुंभ का मेला होता है वो यहीं पर होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ का नज़ारा कैसा होता है। संगम को हम त्रिवेणी संगम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बड़े हनुमान जी की मंदिर भी है। और कहते हैं कि बारिश के मौसम में यहाँ पर गंगा जी बढ़ जाती है। तो हम चलिए देखते हैं कि बारिश में नज़ारा कैसा होता है। यहाँ से संगम की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है और बड़े हनुमान जी हमारे राइट साइड पर 0.2 किलोमीटर की दूरी पर इनका मंदिर है। और हम कुंभ नगरी प्रयाग में आ चुके हैं। गर्मी में गंगा जी का जल यहाँ पर कम होता है, लेकिन वर्षा होने की वजह से यहाँ पे गंगा जी बढ़ गई हैं। इसलिए अगर हमें दर्शन करना है तो हमें बोट का सहारा लेना पड़ेगा। हम नाव में ही जा सकते हैं क्योंकि बहुत गहरा है यहाँ पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो में कि कितना गंगा जी बढ़ी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे नाव वाले होते हैं। ये नाव वाले लगभग लगभग आपको दर्शन कराने का 250-300 रुपये लेते हैं। अभी हम जहाँ पर हमारी नाव चल रही है, यहाँ पर गर्मी के वक्त यहाँ पर बहुत सूखा होता है। यहाँ पर एक पुल होता है, हमें पुल पर चल करके यहाँ गंगा जी में आना पड़ता है। लेकिन बारिश हो गई है इसलिए गंगा जी बढ़ गई है, हमें नाव का सहारा लेना पड़ेगा। Thank you.
बहुत ही प्यारा दृश्य है। ऐसा लगता है कि हम बस यहीं पे ऐसे ही यहाँ का नज़ारा देखते रहें। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, शांत, बहुत ही शांत लगता है यहाँ पे। हर तरफ गंगा जी का ही नज़ारा दिखता है और नाव चलते रहती है। ये नाव वाले भैया भी हमें बताते रहते हैं कि यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पे कैसे आया जाता है यहाँ, तो यहाँ के कुछ कुछ जानकारी जो है ये हमारे नाव वाले भैया हमें बताते हैं। गंगा जी का स्थल बढ़ने पे आप देख रहे हैं कि सारे स्ट्रीट लाइट जो होते हैं वो सारे लगभग लगभग डूबने ही वाले हैं। इतना मतलब इतना गंगा जी बढ़ चुकी है कि स्ट्रीट लाइट भी बहुत हमें कम दिख रहा है। यहाँ के सारे कनेक्शन काट दिए जाते हैं क्योंकि हमें गंगा जी में बहुत सारे नाव चलती हैं, दर्शन करने लोग आते हैं, तो भक्तजन के सेफ्टी के लिए यहाँ पे ये सब जो है सारे कनेक्शन जो है तार का स्ट्रीट लाइट जो है वो बंद कर दिया जाता है। Thank you.
ये हमारे लेफ्ट साइड में आपको एक बहुत प्यारी सी मंदिर दिख रही होगी, यहाँ पे आरती वगैरह होती है। हमने दर्शन कर लिया है और हम वापस जा रहे हैं। हम जिस रास्ते से होते हुए आते हैं उस रास्ते में हमारे लेफ्ट राइट दोनों साइड दुकानें लगी होती हैं, प्रसाद फूल फल हम जो चढ़ाना चाहें गंगा जी को हम वहां से लेकर के प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। और हम चलते हैं बाहर की ओर। यहां से रेलवे स्टेशन लगभग लगभग 3.5 किलोमीटर है और सिविल लाइन बस स्टैंड लगभग 6 किलोमीटर यहाँ से है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।